देखा हो लड़की को देखने जब जाते हैं और लड़के पक्ष वाले इतने इतने सवाल कर देते हैं कि इतने सवाल तो माने इंतान में उना दे कबू परीक्षा में भी नहीं दिए, पर उस समय एक बात भूल जाते हैं कि आज हम बेटे वाले हैं तो कल बेटी वाले भी हैं। आज हम जिसके संग दूसरे के संग व्यवहार करने जा रहे हैं तो कल हमारे साथ भी होगा, कल कोई हमारी बेटी को भी देखने आएगा। तो ताते एक ही बात है, ध्यान रखो काऊ की बेटी देखे जाओ तो दो ही सवाल बहुत है कि बेटी तुम्हारे भैया के हैं और कैम पढ़ती हूं, इतना बता दे सोई कह दो बात है कि जा बेटा काम कर। तो ऐसा हो तो कहूं इतने इतने सवाल आ जाते हैं तिते तो माने इंटर के बीएससी की परीक्षा में ना दे तिते लड़का भाई सवाल करते हैं। और एक बात और बताऊं, सभी बिटियां बहनें ध्यान से सुनियो, अगर मेरी बात सही लगे तुम्हें अगर तुम्हें मेरी बात सही लगे तो ताली बजाइयो, झूठी लगे तो बिल्कुल मत बजाइयो। लड़की को जब देखने आते हैं और लड़का पछते हैं, बा गाड़ी में जितने भी भर के आते हैं उनमें लड़का की जो बहन आती का बात बड़ो थानेदार ना दुनिया में कोई, अगर झूठी हो तो वापस कर देना मेरी बात। तो कितने तो रुपया दे दियो, कितनो बढ़िया सूट मंगा दियो, बढ़िया तो बढ़िया खातर कर दियो, पर बाको मोह सूदो हो बे हो ना। पर बेटी तुम एक चीज भूल जाती हो, आज व्यवहार दूसरे के संग करने गई हो वही व्यवहार कल तुम्हारे संग होगा, वही होगा। और लड़की देखने जाता है जे मनोज बाबू गए पो ब्याह करवे गोद भरवे। एक सबसे बड़ी विडंबना मैंने देखी, मुझे बहुत कष्ट होता है इस चीज पे, क्या लड़की चाहे एमएससी पास कर ले, डबल एमए कर ले, बीएड कर ले, और लड़का पछते वो देख भी आता का वे सब हाई स्कूल फेल हो और तौबा लड़की के माथे पे पसीना आ जाता, भगवान जाने कहा हो गए हो, सवेरे तो रोटी ना खाते वो बिटिया, और जागरण में कुर्सी पत्ती है और सामने बिटरी अकेली होती है तो कुर्सी पे सामने बैठा नहीं मनोज बाबू को कुनबा गो सवर हो जा लगा। तो सबसे पहले इनकी माताजी ने पूछी के इन लली बीजना बोल लेते हैं, इनकी बोल लेते हैं। दूसरा कि पिताजी ने कही के लली बाजरा की रोटी कर लेते हैं, के कर लेता है। अब दो नंबर हट गए, तीसरी बार नंबर आ गो बहन जी को बैठ जाओ, तीसरी बार जो बहन जी को नंबर आओ सब ने भवन में गांठ लगाए कहीं के इंग्लिश में नाम लिख लेती हूँ, वाशिंग मशीन चला लेती हूँ, चला लेते हैं लिखी लेते हैं, चलो बेटा बात नहीं है। आपके नंबर आ गो मनोज बाबू को मेरो ही ब्याह हो रो मैं ही पूछू ना, तो जाकर मनोज बाबू सामने आए से वह लड़की के माथे पसीना आ गो, भगवान यहां ते पास है जाऊं सो क्लियर। सो मनोज बाबू ने कही कि हाँ गाना गा लेती हूँ, जिंदगी गा लेते हैं, नाच लेती हूँ कि नाच ही लेते हैं, ठीक है। अब सवर्णों ने पूछ पाछ करके तो जा चक्कर में तो खातर हो भाई, बस वो तो जलेबी ने नंबर हुआ। तो वह लड़की ने कही पल्ला तो कहा सुनो रुक जाओ भाई, तुम्हारे पक्ष जिन जिन ने पूछो सबको जवाब दो मैंने, और अब तुम कह दो तो एक सवाल मैं उतार लड़का पूछ लू। मनोज की नबज किनारो करेगी कहूं कह दिए अठारह को पारो सुना। सो नीचे वो लंबी सांस लेके कही के पूछ ले वो। सो वह लड़की ने पल्ली तरफ दे कही हाँ ए मिस्टर प्लीज कम हियर, जरा बोलो का कही तुमने कि नाच लेती हूँ तो मैं नाच ही लेते, फिर तुमने कही के गा लेती हूँ मैं गाऊ लेती हूँ, अब तुम बताओ तुम तबला बजा लेते हो कि मुंह पे ना आवत। अच्छा गाऊंगी मैं और नाचूंगी मैं
तो तबला कहता है डोकर बजाऊंगे, भूल गए जानते कहता है। तो तातेजा को सिद्धांत यह है, इसका मूल कहने का मतलब यह है कि बस बेटी से वही दो सवाल करिए, कम से कम पूछिए कि बेटा कौन सी क्लास तक पढ़ी हो तुम्हारे भैया के, बस बता दे सोई जा। पर ऐसा नहीं करते। आज शिवजी भोलेनाथ जब नहीं जगे थे, सोता बंधु भगवान राम ने जगाया। हेलो रोहित यादव हिम्मतपुर से, 100 रुपए की हारमाला हमारे लिए है, पगड़ी से और फूलों से सम्मान किया है। 100-100 रुपए की हारमाला परीक्षित यज्ञपति के लिए है, शास्त्री मंडल का सम्मान किया है।